बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात तेज बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। राज्य में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल 80 सड़कें बंद हैं। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी SP और हमारी NDRF की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले के पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग ढंग से कंट्रोल रूम बनाकर वाच कर रहे हैं।